हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है अकी और रोलिना की मस्ती के दुनिया में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारा 11 साल हो गया इसका शादी का। अच्छा, मेरा नाम है नगमा और इनका नाम है गुलाम सरवर और हम लोग दोनों हैं अकी और रोलिना के मम्मी डैडी। तो आज हमारा मैरिज एनिवर्सरी भी है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 11 ईयर्स अच्छे से पार हो गया है। हम लोग पहले जा रहे हैं अलीना का रिजल्ट लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं कि आगे का क्या प्रोसेस रहता है, क्या प्लानिंग होता है। तो देखते हैं आगे क्या क्या होता है और जो भी हम लोग मस्ती करेंगे वो आप उसके साथ शेयर ज़रूर करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा वीडियो। थैंक यू। आज हम लोग आए हैं अलीना का रिजल्ट लेने के लिए और देखते हैं अलीना का कैसा है रिजल्ट। और ये उनकी मैम भूमिका मैम। हेलो, अलीना हैज डन सुपर गुड दिस टाइम एंड लुक एट हर ग्रेड्स, ए प्लस इन एवरी सब्जेक्ट्स। ये कांग्रेट्स, हैप्पी। और अलीना को क्या मिला है? वाह, वेरी नाइस। और अलीना को मेडल भी मिला है लगता है। यस, शी हैज गॉट। अतिया तुम यहां पे कैसे करो बबा, कम यहाँ पे थोड़ी हो जाए। Thank you, ma'am. वो तो कभी कभी घर पे भी पैकेज भी याद आता रहता है। अभी मैं यही पढ़ा रही थी ना। हाँ। अभी मैं नहीं आ पा रही थी मेडल्स मिला तो बहुत अच्छा। वाह, ऐसे थैंक यू टू मैम। से लव यू टू। चल रहा है ब्रेकफास्ट इडली का, ऑल टाइम फेवरेट इडली अन्नास्वाद। ये देखिए मैं नीचे से जब खाना खा के आ रही हूँ तो अतिया ने तरह से मेरा आउटफिट को रेडी करके रखा है। थैंक यू अतिया, वेलकम। ये देखिए मैं तैयार हो गई और मम्मी के घर भी आ गई, उसके बाद फिर मैं भूल गई थी और मुझे बहुत नींद आ रहा था इसलिए मैंने कुछ शूट नहीं किया। तो उस टाइम तो आपने आउटफिट देखा ही था, अतिया ने इतना अच्छा सा हैंगर में लगा करके रखा था। तो ये देखिए ये पूरा फ्लेयर है नीचे तक है, वो अभी आ नहीं पा रहा है, मेरा कैमरा सेट नहीं कर पा रही हूँ। चलिए देखते हैं बाकी क्या करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज है नेक्स्ट डे 24th of March। तो वैसे कल मैंने कुछ खास हुआ नहीं और मेरे उंगली में भी चोट लग गई, कुछ खास हुआ नहीं तो इसलिए मैंने वैसे कुछ शूट नहीं किया। देखते हैं आज क्या होता है क्या नहीं होता। हमारा वासिफ बॉय ने कोलकाता से कुछ वीडियोस शेयर किए हैं, तो चलिए पहले आप वो वीडियोस को एंजॉय कीजिए और उसके एफर्ट को भी। हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अब्दुल बासित। अभी मैं आया हूँ कोलकाता में, हम लोग बहुत ज़्यादा फ़न कर रहे हैं और अभी हम लोग कुछ ज़्यादा ही फ़न कर रहे हैं और हम लोग घूमने आए हैं और हम लोग कुछ खाना पानी करेंगे और अभी कुछ ज़्यादा ही फ़न हो रहा है हम लोग का। और अभी हम लोग जो मॉल में आए हुए उसका नाम है हावड़ा एसी मार्केट। और आप आइए, मैं मॉल दिखाता हूँ और आप लोग भी ज़रूर यहाँ पर घूमने आइए। हम लोग इस वक्त अपनी आंटी के घर में आए हुए हैं और हम लोग बहुत ज्यादा फन कर रहे हैं, ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा फन कर रहे हैं। हम लोग कल गए थे विक्टोरिया में और उससे पहले गए थे, हम लोग को बहुत ज्यादा फन कर रहे हैं। हम रांची जाने में मन नहीं कर रहा, हम लोग को बहुत ज्यादा फन कर रहा। और आज के लिए बस इतना ही, टाटा बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।
फन करें। तो आपने देखा हमारे फनकार का फन, तो आपको हमारे फनकार का फन कैसा लगा? और उसने बोल, मेरे पापा भैया ने बोला कि मुझे राजी आने का मन नहीं कर रहा है, हमको ना कुत्ता चला कि मैं अपना ड्रेस फाड़ दूँ। आज हम लोग गए थे अलीना का बुक्स कॉपीज लाने के लिए, अलीना का बुक्स कॉपीज ले आए हैं और अत्या कभी आ जाएंगे शाम को बुक्स कॉपीज लेकर के आएंगे, तो मैं अभी दिखाती हूँ अलीना की बुक्स कॉपीज। इस बैग में अलीना की बुक्स कॉपीज हैं, डो है, कलर है, ये बुक्स कॉपीज है और बस इतना। मैं अभी हूँ अत्या का बुक्स लेने के लिए सेक्टर 2 स्टूडेंट जनरल स्टोर, ये ऊपर मैं बता रही हूँ स्टूडेंट जनरल स्टोर। तो यहाँ से पता नहीं, यहाँ से नहीं, बहुत साल से यहीं से बुक्स सेंट थॉमस का जाता है, तो मैं अब जल्दी से जाती हूँ स्टैंडर्ड 3 के बुक्स ले लेती हूँ। ये देखिए और देखिए पेमेंट कितना का हुआ, 6438 और अलीना का भी 6000 का बुक्स है। और अब हम लोग जा रहे हैं इसे चेक कर लेते हैं, जल्दी जल्दी मिलाते हैं। तो ये है हमारा सेक्टर 2 मार्केट, ये सब जगह से हमारी बहुत पुरानी यादें ताज़ा हैं, मतलब जुड़ी हुई है। वाह, तो मैं आ गई हूँ, सबके बुक्स कॉपीज आ गए हैं और मतलब एज ए मिडिल क्लास मम्मी के मतलब मैं कहना चाहती हूँ इतना ज़्यादा कॉस्टली हर एक चीज़, मतलब कि बुक्स इस अलीना को जो बुक्स हमने लाए जो अभी सिर्फ लोअर के जी में, तो उसका मुझे 6000 लगा। अत्या जो स्टैंडर्ड 3 में अभी गई उसका भी मुझे 6438 रुपीज़ लगा। तो ये सब तो एक्स्ट्रा बर्डन हो जा रहा है एज ए गार्जियन हम लोगों के ऊपर। उसके बाद सारे बुक्स कॉपीज़ हो गए, यूनिफॉर्म भी लेना होगा क्योंकि 2 साल से बच्चे घर पे थे, हर एक चीज़। प्लीज़ मुझे नहीं पता कि जो प्रिंसिपल्स रहते हैं वो क्यों नहीं इस बात को समझते हैं कि अभी 2 साल लॉकडाउन में सबका इनकम लाइक दिस, तो उतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं करके थोड़ा सा कम कर देते तो हम लोग जैसे लोग थोड़ा खुश हो जाते। तो चलिए कोई तो बस यही था आज का वीडियो। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़, और घंटी बजाना नहीं भूलिएगा।